देखिए भाई, आप लोग मेरे यहाँ आए हैं, आप सभी लोगों का, भाइयों बहनों का, शिक्षक हैं जो शिक्षिकाएं हैं, सभी का स्वागत है हमारे यहाँ। क्योंकि बहुत लोग हमारे क्षेत्र के भी हैं इसमें, और आपकी जो मांगे हैं, समान काम के लिए सामान्य वेतन, उस मांग का हम लोग भी समर्थन करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, 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 डॉक्टर रविंद्र जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और सरकार भी चाहती है कि आप जो पठन पाठन करने वाले लोग हैं उनको उचित मुआवजा, उचित मेहनताना मिले, लेकिन सरकार की वित्तीय मजबूरी भी होती है, गवर्नमेंट की वित्तीय मजबूरी भी होती है, उसको भी देखना जरूरी है। साथ साथ आप लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए, आप लोगों की बहाली मुखिया के द्वारा की गई है, और उस समय आपको नीतीश कुमार ने ही बहाल किया था, जो वर्तमान सरकार है उसी सरकार ने आपको बहाल किया था। उसके बाद आपका तनख्वाह बढ़ा और हमको लगता है 26-27 हजार मिलता है आप लोगों को, लेकिन इसके बावजूद भी आपका ये जो मांग है इसका हम लोग समर्थन करते हैं, सरकार इसको देने का प्रयास करे, और आपकी बात मैं सरकार तक पहुंचा दूंगा कि हमारे यहाँ लोग आए थे और इस तरह की बात कर रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।